बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है, ठीक है? जैसे कि हमारा प्रोसेस चल रहा था, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो अपलोड्स ऑन रिक्वेस्ट नंबर 5, अगेन शमरेज़ अहमद। शमरेज़ भाई आपके लिए दोबारा आ गए। और भी बच्चों की रिक्वेस्ट हैं लेकिन अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। और दूसरी बात ये कि इनके एग्ज़ाम भी हैं 19 को, इसी 19 को, इसीलिए ये रहे आप शमरेज़। देख लीजिए भाई, ये आपकी ही कन्वर्सेशन है मेरे साथ। अब काफ़ी सारी इन्होंने वीडियोस बनाने के लिए दी है, लेकिन बराबर पूरी कोशिश करूंगा शमरेज, जितनी ज़्यादा बना सकता हूँ, जितनी ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपके एग्ज़ाम से पहले पहले। ठीक है भाई, तो कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। बता दूँ ये, अब ये कौन सी रिक्वेस्ट है? ये है हमारी पहली रिक्वेस्ट एसिड रेन से मुतालिक। एसिड रेन, एसिड रेन क्या है ये एसिड रेन? अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? इससे लिखते हैं? नहीं भाई, आप ये बोलेंगे सर ये मार्कर है। बिल्कुल एसिड रेन की, इसको हम कहेंगे टाइप ऑफ रेन। एक ऐसी रेन है इन विच रेन वाटर हैज बिकम एसिडिक। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि रेन वाटर, जो बारिश का पानी है, वो तेजाबी हो चुका है, वो एसिडिक हो चुका है, उसमें जो है वो एसिड मिक्स हो चुका है। अब बारिश के पानी में एसिड कहाँ से आ गया भाई? यही सारी चीज़ें जो है वो हम देखेंगे। पहले तो हम ये देखें यहाँ पर, जैसे कि मैंने नोट्स बनाए हुए भी हैं, इसके रीज़न क्या है? ठीक है, रीजन क्या है? स्मोक, स्मोक से पॉइजनस गैसेस निकल रही हैं और वो मिक्स हो रही हैं किसके साथ? पॉइजनस गैसेस निकल रही हैं और वो मिक्स हो रही हैं किसके साथ? मॉइस्चर के साथ, इसके साथ मॉइस्चर के साथ। मॉइस्चर, मॉइस्चर बोलें तो नमी हवा में मौजूद है। ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये इसका एटमॉस्फेयर है ना? एटमॉस्फेयर, ये अर्थ है बीच में जो बनी हुई है, ये पूरी अर्थ नहीं है, ये बीच में अर्थ है। ये वो इनविजिबल एटमॉस्फेयर है। क्या है इस एटमॉस्फेयर के अंदर? स्मोक भी है, स्मोक के अंदर डस्ट है, प्लस गैसेज हैं। ये स्मोक इन दो चीज़ों का मजमुआ होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ चलते हैं, तो फिर और क्या है हमारे पास इसमें? गैसेस हैं, सिर्फ गैसेस, ओनली धुएं के अलावा सिर्फ गैसेस हैं, जिनको हम एयर कहते हैं। और क्या है इसके अंदर? मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर। समझ आ गई बात? तो ये आप जरा एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर समझ लीजिए, ताकि आपको पता लगे कि आपके इर्द गिर्द जो इनविजिबल एटमॉस्फेयर है उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ये तीन किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। इनमें से हमारे पास ये जो स्मोक निकल रहा है ना गाड़ियों से, कारों से, व्हीकल्स से, स्मोक के अंदर हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स भी हैं और ये गैसेस भी हैं। ये जो गैसेस हैं जो गाड़ियों के धुएं से, पोल्यूशन से, इनसे निकल रही हैं, इन गैसेस के अंदर हमारे पास जो है वो दो किस्म की गैसेस हैं। इनको हम कहते हैं सल्फाइड ऑक्साइड्स, सल्फाइड ऑक्साइड्स, और दूसरी जो है वो हमारे पास है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। याद रहे कि यहां पर मैंने सल्फाइड ऑक्साइड्स का, इसका मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि सल्फर और ऑक्सीजन का मिलाप है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिलाप है। यानी कि ऐसी गैसेस हैं ये
ये कौन सी गैसेस हैं जिसमें सल्फर सल्फर और ऑक्सीजन मिले हैं, मिसाल के तौर पर सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सी गैसेस आ जाती हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एट्सेट्रा। तो मैंने आपको ये बता दिया कि सल्फाइड ऑक्साइड्स भी फर्दर जो है वो आगे कैटेगरीज में डिवाइड है। बहरहाल तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते ज़्यादा इसको, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद है। हमारा जो टारगेट है, हम वजह जानना चाहते हैं भाई, हमारी रेन जो आसमान से बादलों से जो पानी बरस रहा है उसमें एसिड आ कहाँ से गया, ज़मीन से कोई चीज़ निकल रही है, ठीक है, धुएं में से, धुएं में डस्ट में से कुछ गैसेस निकल रही हैं, ये वाली गैसेस जिनको सल्फाइड ऑक्साइड्स कहा जाता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कहा जाता है, इनका सारा काम है। ये क्या करेंगे आप, ये देखते हैं ज़रा, ठीक है, ये मिटा दूं, नोट कर लिया, ठीक है, टारगेट गैसेस भी पता चल गई कि ये गैसेस हैं जो कि हमारा टारगेट। अब ये कर क्या रही हैं, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा, रीज़न क्या है कि स्मोक और स्मोक के अंदर क्या है हमारे पास पॉइजनस गैसेस किससे मिल रही हैं, मॉइस्चर से, यानी कि हवा में मौजूद जो पानी है, वाटर वेपर्स हैं या नमी है, उससे जाके जो है ये पॉइजनस गैसेस जो हैं वो मिल रही हैं। ओके फाइन, ये भी हो चुका। अब और क्या बात है इसके अंदर, इसकी तफसील मैंने आगे लिखी है। ये H2SO4, ये क्या है भाई, ये वो एसिड है जो कि किसमें मिल रहा है, आपके बारिश के पानी में ये मिल रहा है H2SO4। इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है भाई। लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड आया कहाँ से, हवा में मौजूद। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस होनी चाहिए। कहाँ से निकल रही है, ये गाड़ियों से निकल रही है, और इससे क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनेगी, और ये जब वाटर से मिलेगी H2O, तो उसके बाद जो है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा H2SO4। ये देख लीजिए, यहाँ से और यहाँ तक हमारी रेन एसिडिक हो गई, क्यों, क्योंकि उसमें ये एसिड मिल गया। ये एसिड आया कहाँ से, स्मोक निकला गाड़ियों से, कौन सा स्मोक निकला भाई, सल्फर डाइऑक्साइड, ये स्मोक निकला, ये धुआं निकला, ये गैस निकली, ठीक है। हवा में ऑलरेडी ऑक्सीजन पहले से ही मौजूद है, ये सल्फर डाइऑक्साइड इस हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और इससे बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड हवा में पानी भी मौजूद है, इसके साथ रिएक्ट करेगी, तब जाके ये बनेगा H2SO4। तो इसका मतलब आपके एटमॉस्फेयर के अंदर ये H2SO4 जो है वो आ चुकी है, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ से आया, सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से निकल रही है, धुएं से निकल रही है, गाड़ियों के धुएं में से ये गैस मौजूद है, ये निकलने के बाद हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड हवा में मौजूद जो पानी है उसके साथ रिएक्ट करके ये H2SO4 गैस बना देती है। अच्छा, इसकी केमिकल इक्वेशंस जो है वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपकी सहूलत के लिए, जैसे कि यहाँ पर है, ताकि क्योंकि आपके उसके मुताबिक चलना है ना हमें, तो आपके नोट्स के मुताबिक, आपकी बुक के मुताबिक, ताकि आपको ईजीली जो है ये समझ में आ जाए और आप समझ के याद कर लें। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड, और आपकी बुक के अंदर एक मिस्टेक भी है, ज़रा उसको भी हाईलाइट कर दो। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, इससे 2 मोल बन रहे हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड के, ठीक है भाई। और दूसरी गैस भी तो है, उसको भी ज़रा देख लेते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है, ठीक है, ये तो हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। अब इसको भी देख लें, ये भी गैस जो है वो गाड़ियों के धुआं से ही निकल रही है, स्मोक से ही निकल रही है, ठीक है, जो पोल्यूशन हो रही है। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब हवा में मौजूद वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है, तो उसके नतीजे में हमारे पास एक और एसिड बन रहा है जिसको हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं, HNO3। शमरेज, आपकी बुक में यहाँ मिस्टेक है, HNO3 के साथ बन रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए, आपकी बुक में इसकी जगह पर लिखा हुआ है HNO2, जो मुझे नजर आया HNO2, जो कि गलत है,
HNO2 नहीं आएगा भैया, आपकी बुक में मिस्टेक है, NO आएगा। इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ, हाँ बल्कि बैलेंस ही है, चेक कर लीजिएगा इसको। तो दोनों इक्वेशंस आ गई, एक एसिड हमारे पास इससे बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड से, दूसरा एसिड हमारा किससे बनेगा, हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से बनेगा। कौन सा एसिड है वो, ये नाइट्रिक एसिड। HNO3 कौन सा है, नाइट्रिक एसिड। तो H2SO4 आ गया, ठीक है तफसील बता चुका हूँ, और नाइट्रिक एसिड आ गया, इसकी भी मैंने आपको तफसील बता दी, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से ये नाइट्रिक एसिड जो है वो बन रहा है। और ये कहाँ से आ रहा है, ये गाड़ियों के धुएं से आ रहा है। ओके फाइन, तो केमिकल इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको समझा दिया, बड़ा ईजी टॉपिक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, आसमान से जब पानी बरसेगा तो हवा में क्या मौजूद है भाई, ये एसिड्स मौजूद हैं, ठीक है H2SO4 और नाइट्रिक एसिड। ये किस शक्ल में होंगे पता है आपको, ये वेपर्स की शक्ल में होंगे जी, ऐसे लिक्विड फॉर्म में नहीं होंगे जो कि आपको और हमें नजर आते हैं लैब्स में, नहीं नहीं ऐसे नहीं, वेपर्स की शक्ल में, गैशियस फॉर्म में, जैसे वाटर वेपर्स होते हैं इस तरह दूसरी गैसेज होती हैं। ऊपर से जब पानी बरसेगा तो क्या होगा, उस पानी में ये नाइट्रिक एसिड और ये सल्फ्यूरिक एसिड जो कि हवा में मौजूद हैं वेपर्स की शक्ल में, ये उसमें मिक्स हो जाएंगे और रेन जो है वो ज़मीन पर पहुंचने से पहले क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी और एसिड रेन बन जाएगी। समझ में आ गई बात। अच्छा और देखते हैं आगे, अब मिटा दूं इसको, ईजी टॉपिक था। अब आगे देखते हैं और क्या है इसके अंदर। सॉरी गला थोड़ा खराब है भाई। तो आपकी बुक की भी एक मिस्टेक जो है वो मैंने हाईलाइट कर दी है, शमरेज बलूचिस्तान बोर्ड है इनका, देख लीजिएगा। अच्छा इसके डैमेजेस क्या क्या हैं भाई, ये भी जरा देख लें, एसिड रेन के जो है वो डैमेजेस हैं, नुकसान क्या क्या हैं एनवायरनमेंट पे, हमारे माहौल पे इसका बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है, हमारे एनवायरनमेंट पे इसका बुरा असर पड़ रहा है। लाइफ फॉर्म यानी हयात की मुख्तलिफ शक्लें, ज़िंदगी की मुख्तलिफ शक्लें हमारी ज़मीन पे ना, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, ठीक है उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है इस एसिडिक रेन का। और क्या है, फॉरेस्ट जंगलात जो हैं वो तबाह हो रहे हैं, ये नोट्स भी बन रहे हैं आपके साथ साथ, नोट करते रहिए। फ्रेश वाटर ये आपका ख़राब हो रहा है, फ्रेश वाटर के बारे में आपको एक बात बता दूँ, समंदर के पानी को छोड़ के, सी वाटर को छोड़ के जितना भी पानी है सबका सब जो है वो फ्रेश वाटर कहलाता है, याद रखिएगा। दरियाओं में, झीलों में, नदी नालों में, बाहर आपके रोड पे पड़ा हुआ है गंदा पानी, वो भी फ्रेश वाटर ही कहलाएगा। फ्रेश वाटर का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, फ्रेश वाटर का मतलब सिर्फ इतना है, सी वाटर को छोड़ के, समंदर के पानी को छोड़ के जितना पानी है, आपके घर में पानी है वो भी फ्रेश वाटर, ठीक है। और क्या है भाई, सॉइल मिट्टी को भी ख़राब कर रही। और क्या है, इंसेक्ट्स जो है हमारे वो भी नुकसान में आ रहे हैं। एक्वाटिक वर्ड निकला है एक्वा से, एक्वा का मतलब है पानी, वाटर मतलब जमीन, एक्वाटिक लाइफ मतलब पानी में पाए जाने वाले अल्लाह ताला की जितनी मखलूकात हैं उनको एक्वाटिक लाइफ कहते हैं। बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंच रहा है भाई इससे जी, बिल्डिंग्स भी इंडिया में है, आगरा में ताजमहल उस पर जो मार्बल लगा हुआ है वो भी जो है वो डिम हो चुका है इसी एसिड रेन की वजह से। ह्यूमन हेल्थ आप क्यों बचेंगे, आप लोगों की भी तो सेहत पे असर पड़ेगा इसका, ह्यूमन हेल्थ पे भी इसका यानी कि इंसानी सेहत पर भी इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा, ठीक है नोट कर लिया, मिटा दूं, ठीक है सर मिटा दीजिए, ये डैमेजेस आ गए। अब इसके हवाले से प्रिवेंशंस की गई हैं क्या, प्रिवेंशंस मतलब इसका अब हल क्या किया जाए, ऑब्वियस सी बात है इसी तरह ऐसी ट्रेन बरसती रही तो आम हो जाएगा हमारी दो दुनिया का इतने नुकसान, तो इसके हल के लिए क्या है हमारे पास, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन मतलब तदारुक, प्रिवेंशन मतलब इलाज समझ लें, या हल क्या निकाला इसका, हल इसका क्या निकाला है भाई,
कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज हुई हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज, ठीक है, उनके नाम यहां मैं लिख देता हूं, जैसे कि मॉन्ट्रियल है, मॉन्ट्रियल आई थिंक कनाडा में है, वहां पर एक मुआहदा हुआ, ट्रीटीज का मतलब है एग्रीमेंट या मुआहदा, ठीक है भाई, इंटरनेशनल, बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर एग्रीमेंट किया, क्योंकि ऑब्वियस बात है कंट्रीज ही तो ये गाड़ियां बना रही हैं, धुआं चल रहा है, सारा मामला हो रहा है, तो बहुत सारी कंट्रीज मिली बैठी, उन्होंने बोला आपस में मुआहदे करते हैं भाई, किसी तरह इसकी रोकथाम की जाए, तो मॉन्ट्रियल में हुआ था, क्योटो ट्रीटीज हुई थी, क्योटो ट्रीटीज हुई थी, ठीक हो गया। इसका रिजल्ट क्या निकला भाई, ऑब्वियस सी बात है जब मुआहदे हुए होंगे तो इसके अंदर यही बात की गई होगी कि हमें जो है वो इन पॉइजनस गैसेस को रोकना है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसका इजाफा हो रहा है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, रिड्यूस, इसका रिजल्ट निकल, रिड्यूस हैजर्डस इमिशन ऑफ गैसेस इनटू एटमॉस्फेयर, शॉर्ट एसिड रेन, इससे आपकी रिड्यूस हो गई, एसिडिटी इन रेन, ठीक है भाई, कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।